तो जी कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? क्या हुआ यार, परेशान हो गए इतना सारे कुछ देख के? कोई बात नहीं, अक्सर लोग हो जाते हैं परेशान जब वो इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि भाई इनमें से मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड, इसको सेपरेट कैसे करें, या कोई चीज़ आपके पास सामने आती है तो आपको नहीं पता चलता ये कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है, एलिमेंट है, सब्सटेंस है, क्या है। तो इस वीडियो के बाद आप इजीली आसानी के साथ बता सकते हैं कि भाई ये आपके पास एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये क्या है, ये सारे मैटर है। मैटर को कैसे डिफाइन करते हैं? मैटर हर वो चीज़ जो मैस रखती है और जगह घेरती है उसको मैटर कहते हैं। तो ये जितनी चीज़ें आपके पास हैं ये क्या हैं, क्या करती हैं? ये मैस भी है, जगह भी घेरती हैं, तो फिर क्या होगा, ये मैटर। अच्छा, अब मैटर को आगे हम मैटर को सेपरेट करते हैं, ठीक है? तो उसमें से हम देखेंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं, उसका एक चार्ट बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास है मैटर, ये सारे मैटर हैं। मैटर में से जिन चीजों को हम सिंपल फिजिकल मैथड, क्या करते हैं, सिंपल फिजिकल मेथड, सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे मिक्सचर, ठीक है? और ये क्या होगा, ये इम्प्योर मैटर होगा आपके पास। अब वो सारी चीजें जिनको आप सिंपल फिजिकल मेथड से इनमें से सेपरेट नहीं कर सकेंगे, वो क्या होगा, वो आपके पास होगा जी सब्सटेंस। सिंपल फिजिकल मेथड से क्यों सेपरेट नहीं हुआ, क्योंकि ये प्योर मैटर होता है। सब्सटेंस क्या होता है, प्योर मैटर, ठीक है? अब इन सब में से देखते हैं कि हम किसको सिंपली फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। तो देखें इसमें से सैंड, सॉल्ट, यानी NaCl, इसको हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें जो हैं ये केमिकली कंबाइन है और इनको सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है? अच्छा, तो फिर ये तो हमारे पास हो गया क्या चीज, मिक्सचर, क्योंकि ये क्या है आपके पास, इम्प्योर मैटर है। इम्प्योर मैटर क्या होता है, मिक्सचर होता है। अच्छा, अब आ गए सब्सटेंस के ऊपर, ये सारे सब्सटेंस है, इसके अलावा सारे सब्सटेंस है। अब जब ये केमिकली कंबाइन है तो इन पे केमिकल मेथड ही अप्लाई करते हैं हम, ठीक है? देखते हैं फिर क्या होता है। जो चीजें हमारे पास केमिकल मेथड के जरिए से, आपके पास सेपरेट हो सकती हैं, वो आपके पास होंगे कंपाउंड। और जो चीजें आपके पास केमिकल मेथड से सेपरेट नहीं हो सकती, वो क्या होगा, वो होगा भाई आपके पास एलिमेंट, ठीक है? अब जरा इसमें से देख लेते हैं कि आपके पास कंपाउंड कौन सा है और एलिमेंट कौन कौन से हैं। देखिए H2 केमिकल मीन से सेपरेट किया जा सकता है, किया जा सकता है, एच और एच सेपरेट हो जाएंगे, वाटर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेपरेट किया जा सकता है, क्लोरीन किया जा सकता है, HCl किया जा सकता है, NH4Cl किया जा सकता है, NaCl हो सकता है, MgCl2 हो सकता है, गोल्ड को कर सकते हैं, आयरन को नहीं कर सकते। तो फिर आपके पास ये जो गोल्ड और आयरन आ जाएगा ना, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये आपके पास एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इनको आप सिंपल मेथड से भी, सॉरी केमिकल मेथड से भी सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है? अच्छा, कंपाउंड, कंपाउंड को हम केमिकली मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन मसला पता है यहां पर क्या है, कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, कंपाउंड में आपके पास क्या हो जाएंगी,
दो चीजें आ जाएंगी यहां पर, कंपाउंड में, कंपाउंड मॉलिक्यूल भी हो सकता है और मॉलिक्यूल नहीं भी हो सकता। कंपाउंड कब मॉलिक्यूल होगा, कब मॉलिक्यूल नहीं होगा, ये देखते हैं, यहां पर मसला है अब। ठीक है, बाकी तो आसानी से हो जाएगा। ये सारी कंपाउंड्स हैं, आयरन, गोल्ड और इसके अलावा सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन इसमें से मॉलिक्यूल कौन से हैं, कंपाउंड कौन से हैं, और कंपाउंड और मॉलिक्यूल दोनों वो कौन कौन से हैं, ये देखते हैं। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको। आपने क्या करना है, क्या ये अल्कली मेटल्स याद कैसे करना है आपने, खाली ने की रब से फरिया, ठीक है, हाइड्रोजन को आपने सेपरेट कर देना। अब दूसरा, ये क्या है, इसको आपने याद रखना है, बीमक का सर भारा, ठीक है, सर ये वाला सर भारा। अच्छा, अब ये चीजें आपको कहीं भी नजर आ गई, अगर कहीं पर भी उसमें से या कहीं पर भी आपको किसी भी कंपाउंड एलिमेंट में आपको ये चीजें नजर आ गई, तो आपने करना है कि ये आपके पास सिर्फ कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूल नहीं होगा। आप उसमें से एन ए देख लें, के देख लें, आर बी देख लें, सी एस देख लें, कैल्शियम देख लें, तो आपने फट से कह देना कि भाई ये मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं और ये हमेशा आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। इसके अलावा कौन कौन से हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा अमोनियम, या फिर आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स, या आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स, ये आपको कहीं पर भी अगर नजर आ जाते हैं तो वो सिर्फ कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूल नहीं होगा। यहां पर देखते हैं, अमोनियम है, सोडियम है, सोडियम ये देखें, अच्छा इसमें मैग्नीशियम आ गया, ये आयरन क्या है, ट्रांजिशन मेटल, तो ये सारी आपके पास चीजें सिर्फ कंपाउंड होंगी, मॉलिक्यूल नहीं हो सकती, क्योंकि ये आयोनिक बॉन्ड से कंबाइन होती हैं। ठीक है, तो अब कौन कौन से होंगे आपके पास, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, ये सारे आपके पास सिर्फ आयोनिक कंपाउंड्स हैं, यानी कि सिर्फ कंपाउंड्स हैं, मॉलिक्यूल नहीं है। मॉलिक्यूल अब बाकी जो भी आपके पास पी ग्रुप में आपको इनके अलावा कोई नजर आएगा मिला हुआ आपस में, तो वो ज्यादातर आपके पास मोस्टली क्या होते हैं, कंपाउंड भी होते हैं, मॉलिक्यूल भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाटर नजर आ रहा है, वाटर क्या है, डेफिनेशन तो यही है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स, कंपाउंड की डेफिनेशन क्या करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स, तो डिफरेंट एलिमेंट्स ये भी तो डिफरेंट है, H2O, HCl डिफरेंट है ना, तो ये आपके पास क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स भी होंगे और कंपाउंड्स भी होंगे। ठीक है, अच्छा सिर्फ मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, सिर्फ मॉलिक्यूल्स, सिर्फ मॉलिक्यूल कौन से होंगे जो कि सेम एलिमेंट्स होंगे, कंबाइन होंगे आपस में। यहां पर देखते हैं H2, ये सिर्फ मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल भी है आपके पास, कंपाउंड भी है, लेकिन H2 क्योंकि सेम एटम्स हैं, सिर्फ आपके पास क्या है, क्या है, मॉलिक्यूल है। Cl2 सेम एलिमेंट्स, सिर्फ मॉलिक्यूल। HCl में आपको इनमें से कोई नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि HCl जो है वो आपके पास क्या होगा, मॉलिक्यूल भी होगा और कंपाउंड भी होगा। ठीक है, अच्छा जी, Cl2 इसी तरह सपोज यहां Br2 होता, तो Br2 क्या है, सिर्फ मॉलिक्यूल है भाई, कंपाउंड नहीं है।